प्रधानमंत्री आवास योजना में चंद्रशेखर आजाद मल्टी चाणक्यपुरी में हितग्राहियों के लिए आवास का निर्माण करवाया गया था, जिनके नाम ये आवास आवंटित किए गए हैं। उनमें से कई लोगों ने इन्हें किराए पर दे दिया था। दो भवनों में तो स्कूल संचालित किए जा रहे थे। आयुक्त विशाल सिंह चौहान के संज्ञान में आते ही निगम उपायुक्त एवं योजना के प्रभारी डॉक्टर पुनीत शुक्ला को तत्काल मौके का निरीक्षण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उपायुक्त शुक्ला द्वारा यहां निरीक्षण किया तो इस प्रकार की गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके चलते इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि चाणकपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास बनाए गए थे। इनका उपयोग उन्हें ही करना है जिनके नाम इनका आवंटन है, लेकिन कुछ हितग्राहियों ने आवंटित भवन या किराएदार रख दिया है। उपायुक्त श्री शुक्ला ने जब निरीक्षण किया तो मौके पर कुछ आवासों में किराएदार मिले। उपायुक्त श्री शुक्ला ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को भवनों का व्यावसायिक उपयोग होने पर तत्काल भवन आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए। आयुक्त विशाल सिंह चौहान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ये भवन जरूरतमंद गरीब हितग्राहियों के लिए है, जिन्हें स्वयं रहने के लिए आवंटित किए गए थे, किंतु आवंटित हितग्राहियों द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा था। इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश विभागीय अधिकारी पुनीत शुक्ला को दिए थे। वहीं कार्रवाई के डर से मकान मालिकों ने मल्टी में रह रहे किराएदारों को मकान से बाहर निकाल दिया और उनका सामान भी फेंक दिया। कई मकान मालिकों ने तो किराएदारों के सामान रखे मकान पर ताला ही जड़ दिया एवं डराने धमकाने लगे, जिसकी शिकायत को लेकर आज मंगलवार को किराएदारों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में आवेदन दिया गया। जी सर, हमारा मकान मालिक ने हमारा सामान सब बाहर फेंक दिया हमारी गैर मौजूदगी में, हाँ? और अपना खुद का ताला लगाकर और चले गए। कहाँ पे रहते हैं आप? हम चंद्रशेखर आजाद नगर मल्टी में रहते हैं। काहे के लिए फेंक दिया उनने? बोले मकान खाली करो, तो हमने कहा कि मिल जाएगा तो कर लेंगे, हाँ? तो बोले नहीं, आप ही हाल करो। बोले हम आपको चार दिन से कह रहे हैं, जब तो आप मकान खाली नहीं कर रहे हो, तो उनके भैया मिलेगा जब भी तो करेंगे, हाँ? ऐसा कहा गया तो बोले नहीं, तुम नहीं करोगे, सब सामान बाहर फेंक दिया। हम जब पुलिस थाने गए तो थाने पर से ये कहा गया कि उनका मकान था, उन्होंने खाली करवा लिया। हमने कहा अब हम कहाँ जाएं, हम गरीब मजदूर लोग आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, हाँ? बोले कहीं भी जाओ, मर जाओ कट जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, ऐसा कहकर और पुलिस वालों ने भगा दिया। क्या नाम है मकान मालिक का आपके? श्याम सुंदर भास्कर। ये कहाँ रहते हैं? ये इटावा में रहते हैं, हमने उनका घर तो नहीं देखा है पर सुना है वहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा, और भी मकान है उनके? केवल एक ही मकान है वहाँ पे? ये जानकारी नहीं है सर हमें। अच्छा, कितने टाइम से रहते हैं आप वहाँ पे? हमको करीब साल भर होने। क्या किराया देते थे? हम तो 1500 रुपए देते। अच्छा अच्छा, पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, 1500 रुपए में हम रहते। अभी कलेक्टर साहब के यहाँ पे आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला है? अभी तो दिया भेजा है सर, हाँ आवेदन दे दिया है। 5 महीने से रह रहे हम। कहाँ पे? ये चाणकपुरी मल्टी। अच्छा, हाँ, और 2500 रुपये महीना देते हैं हम, हाँ? और 30,000 रुपये भी हमने दे दिए उनको, तो बोले कि 30,000 किस बात के लिए? खाली के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, और बोले कि जब भी खाली करोगे आप, हाँ, तो वापस रिटर्न पैसे मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर अभी क्या हुआ? अभी क्या है कि वो दारू भुट्टे वगैरह छोरे को बोले कि हम पहुँचाए या मकान खाली करो, ताले पे ताला लगा दिया, और बोले ताला तोड़ के बोले क्या। कौन है आपके मकान मालिक? कौन है? ये पटवारी जी है। क्या नाम है उनका? पटवारी जी बोलते हैं और बाकी। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने टाइम से रहते थे हम वहाँ पे? 5 महीने हो गए। तो खाली करने क्यों बोल रहे हैं? खाली करने का बोल रहे हैं, बोले खाली करो बोले। नहीं तो क्या मुकदमारी हुई, क्या बात हुई है वहाँ पे? ये आवेदन की वजह से ये मकान खाली कर रहे हैं, बोले कि यहाँ हम रहेंगे बोले। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी आप कहाँ रह रहे हो? चाणकपुरी मल्टी में। तो वो मकान में ताला लगा दिया ना आप बता रहे हैं? लगा दिया ना ताला, तो ताला रात में तोड़ दिया। तोड़ दिया। अच्छा, देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।